अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया तट पर सोमवार देर रात को बड़ा हादसा हुआ। यहाँ तट से गुजर रही एक स्कूबा डाइविंग नाव में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 26 लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की तरफ से लगातार बचाव कार्य चलाया जा रहा है और आसपास लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। वेंचुरा काउंटी दमकल विभाग की तरफ से हेलीकॉप्टर, छोटी बोट समेत अन्य संसाधनों का सहारा लिया जा रहा है। जिस नाव में आग लगी है उसकी लंबाई करीब 75 फीट है। इसमें करीब 39 लोग सवार थे। सोमवार तड़के जब इस नाव में आग लगी तो अचानक नाव में हलचल मची और कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, तो वहीं प्रशासन की ओर से कुछ लोगों को बचाने का दावा भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को अमेरिका में लेबर डे मनाया जा रहा है, ऐसे में इस दिन इस प्रकार की खबर आना लोगों के लिए झटका है। अब प्रशासन की ओर से इस नाव में मौजूद लोगों की पहचान की जा रही है और उनके बारे में जानकारियां निकाली जा रही हैं, ताकि सभी के परिवारों से संपर्क किया जा सके। इस नाव में सवार लोगों में न सिर्फ पुरुष बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। आपको बता दें कि ये नाव शनिवार देर रात सांता बारबारा हार्बर से लेबर डे वीकेंड ट्रिप पर निकली थी, जो कि सैन मिगुएल आइलैंड तक जा रही थी। इस नाव को सोमवार देर शाम तक वापसी लौटना था और वापसी के वक्त ही इसमें ये घटना हुई।